जो रहबर, जो हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जो थे, उनके तीन थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वो तो है ही है। तो मैंने तो उनका एक छोटा सा, जो छोटा सा तो उनका तो नहीं छोटा, मेरा छोटा सा उनसे प्रयास रहा है कि हम सारे देश में जो हमारी पीढ़ी के विशेषकर जो थे वो शिक्षित हुए, और शिक्षित होकर के हम में से बहुत सारे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 80% के करीब जो लोग, वो उसका फ़ायदा उठा करके। और अभी मेरे नौजवान साथी ने कहा कि वो जो ना मनुवाद को मानते हैं और हमारे बीच में बैठते हुए भी अपनी शर्म महसूस करते हैं कि हमें उनके बीच में बैठ करके और ये बात करके अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा अब सोसाइटी दूसरी बन गई, सोसाइटी ऊंची हो गई, और हम जो ना, हालांकि एक और मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ समाज में कि उनके बच्चे जो थे बहुत कम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। 80% की बात कर रहा हूँ मैं, 100 की नहीं कर रहा, कि उनके बच्चे जो है उन तक शिक्षा या उन तक कमाना नहीं जानते, कम पढ़े लिखे रह जाते हैं, क्योंकि वो सुविधा भोगी हो गए, उन्होंने सुविधाएं ले ली, और जो हमारी वाली पीढ़ी थी, जो वो पीढ़ी थी, उन्होंने सुविधाएं नहीं ली थी, तो वो जो है ना अपनी मेहनत से और बिना किसी पूजा पाठ के, क्योंकि पूजा पाठ करने का जैसे कि बताया, मंदिरों में जाने का हमें मौका ही नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था। हम तो जो है ऐसी जगह पे थे कि आज तो हमें सब जगह चांस मिलता है, और मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा ये भी कि आज हमारे यहाँ सब ब्राह्मण आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उनको वो पूजापा जो देने के लिए हमारी जेब में पैसा है आज इतना कि हम उनको वो दे देते हैं और आज आ जाते हैं। नहीं, पहले कोई भी नहीं आता था किसी काम के लिए, किसी भी ऐसे कार्यक्रम के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए नहीं आता था। खैर, ये बातें तो हैं, मेरा तो केवल जो ना मैं शिक्षा से जुड़ा रहा, और इस शिक्षा के कारण मैंने आज से 25 साल पहले एक छोटा सा जेजे कॉलोनी में छोटा सा एक उन बच्चों का, जिनको जिनके घर में कोई नहीं पढ़ा होता था, जिनके पढ़ाई के बहुत पीछे थे, तो उनको जोड़ करके कुछ इकट्ठे करके और एक हमने जो है ना छोटा सा स्कूल तैयार किया था उन बच्चों को इकट्ठा करके, और आज वो एक आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से और अम्बेडकर महाराज की रहनुमाई से आज वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर है, और 1000 बच्चों से ऊपर वहाँ पर हम उनको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें मैं अभी बताऊं कि फीस जो ना वापिस 250 बच्चों के कम से कम फीस वापिस होती है उनकी, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक वालों की, शेड्यूल कास्ट के उससे जो ना मिलती है। इसी के साथ साथ 180 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको EWS के तहत उनको एडमिशन देकर के, और वो भी कोशिश करते हैं। अब चूंकि हमारी मेरी विशेष करके उम्र ढलान पर है, लेकिन हमारे मल साहब के प्रोत्साहन से और हमारे साथी अवतार जी बैठे हैं, इनके प्रोत्साहन से हमने जाकर के एक बहुत दूर जबलपुर के पास एक आदिवासी एरिया है मंडला, और उस मंडला में जाकर के एक कॉलेज की स्थापना की है संत, हमारे संत रामानंद जी के नाम से, और वो संत रामानंद जी की जो प्रेरणा या आशीर्वाद कहिए उनसे हमें मिला। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने सारी जिंदगी हम गरीबों के लिए, विशेष करके मैं एक जाति के लिए तो नहीं कहूँ, गरीबों के लिए उन्होंने प्रयास किया और सब जगह इस धर्म को फैलाने की कोशिश की है और हमें एकत्रित होने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ उस एकत्रता में हमें पता लगा है कि हम कहाँ तक गए और कहाँ तक पहुँच गए। अभी जो बात की कि हम जो है ना चवारों का क्यों नाम लेते हैं, मैं एक बात बताऊंगा कि सारे हिंदुस्तान में जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनमें आधे से ज्यादा तो चमार हैं, बाकी एक तरफ दूसरे हैं, और चमार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मिलेंगे। मैं गया, मुझे गोवा में भी मिले वो, मद्रास में भी गए मुझे मिले वो, और कश्मीर और पठानकोट तक तो मैं गया हूँ, वहां भी मिले, और पंजाब में तो है ही है, हरियाणा में तो है ही है, तो है बड़ो तक है। हाँ, तो मैंने वहां तक देखा है,
तो अब इससे जीलिए सी तो नहीं होती, हम संख्या के लिहाज से भी तो और जो जितनी भी जातियां हैं उनसे ज्यादा हैं, कहीं ज्यादा हैं। और फिर एक बात और भी आती है कि इन लोगों में कुछ ऐसा संस्कार था या इन्होंने प्रयास किया कि हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने की हम कोशिश करें और आगे बढ़ करके पढ़ाई हम करें। तो मैं खैर अपनी और कुछ किसी फील्ड में जाने के बजाय मैं तो केवल यही कोशिश करता हूं कि आज हमारे पास हमने एक कॉलेज बनाया है अपने प्रयास से और वहां पर कोई कॉलेज नहीं है और इनका नाम शेड्यूल कास्ट का इनके लेते हुए तो लोग डरते हैं कि इनका क्यों बेकार साथ बढ़ाना भी ठीक नहीं है। आज क्वेश्चन है और मेरे पास जो एडमिशन बच्चे हुए 80-80 किलोमीटर दूर से आकर के वही कॉलेज में रह रहे हैं। तो हमने पिछले साल से बीए और बीकॉम लिया, इस साल हमारे पास एमएसडब्ल्यू बीसीए बीकॉम है ही और उसके साथ में हमारे पास बीएड भी आ रही है। और इस तरह से आकर के अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और प्रयास रहा सभी लोगों का तो हम उसको एक विश्वविद्यालय का रूप दे देंगे आने वाले, मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर उसको विश्वविद्यालय का रूप दे देंगे। तो ये एक प्रयास है बाबा साहब का, जो 3 मिशन थे, 3 उनके एम थे, 3 ध्येय थे, उनमें से हम पहले की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम शिक्षित बने। और शिक्षित अगर बनेंगे तो मनुवाद भी छूटेगा, शिक्षित अगर बनेंगे तो ये आडंबरों से भी हम पीछे हो जाएंगे, शिक्षित बनेंगे तो वेद पढ़ करके देखो आपके बारे में क्या लिखा है वो भी पता लग जाएगा, शिक्षित अगर होंगे तो हमें अपने कास्टों के बारे में कि हिंदू धर्म में कितनी कास्ट है और क्या उन 3 कास्ट से नीचे हमें हिंदू धर्म माना, हिंदू धर्म में वो सम्मिलित करते हैं वहां नहीं करते, ये तो अब जो ना जब जनसंख्या का वो जनसंख्या की गिनती होती है और वो जब अपने आप शॉर्ट होते जाते हैं, कम पड़ते जाते हैं, तब जो ना हमारी जरूरत पड़ती है कि ये भी हिंदू है हमारे साथ, वरना आपके हमारे को कहीं जगह नहीं है हिंदू धर्म में, ये तो हम उनके पीछे लगे हुए हैं और वो हमें अपने बीच में शामिल करते हैं केवल इसलिए कि ये लोग आकर के हमारे धर्म की संख्या बढ़ाएं, जनसंख्या बढ़ाएं और हम जो ना दुनिया में कहीं भी जाकर के ये कह सके हमारी इतनी जनसंख्या है, इतना है। तो मैं, मुझे टाइम दिया माहे साहब ने, मल साहब ने, हमारे हितकारी जी हैं और चमार साहब हैं, दूसरे सभी हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं पहले, क्योंकि मुझे जो ना मैं जल्दी में आया और थोड़ी देर भागना पड़ेगा क्योंकि बनारस जाने की इच्छा है, वहाँ भी जाकर के हम थोड़ा सा पहले भी गए, फिर दर्शन करना चाहेंगे गुरु जी का, आशीर्वाद लेना चाहेंगे और उनके आशीर्वाद को हम अपने ऊपर कोशिश करेंगे कि हमें वो फलीभूत हो। इन्हीं के साथ सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और मुझे समय दिया मल साहब का, ये इनका फिर से मैं धन्यवाद करूँगा माए साहब का, और मेरा ये यहाँ पर ये 3रा प्रोग्राम अटेंड करने का है, माए साहब को मैं कहूँगा कि मैं आता हूँ और आपसे प्रेरणा लेता हूँ। धन्यवाद जी।